भोपाल में ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर श्री गुरु नानक टेकरी करने की मांग को लेकर सिख समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर व हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की। सिख प्रतिनिधि मंडल ने शर्मा को इस आशय से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा और इस मांग को उठाने के लिए उनका आभार भी जताया। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से सिख प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर ईदगाह हिल का नाम बदलकर नानक टेकरी करने का आग्रह किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सिख समाज के वरिष्ठ जनों ने ईदगाह हिल्स का नाम परिवर्तन कर नानक टेकरी रखने की मांग की है। उनकी इस मांग को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाते हुए नाम परिवर्तन के हर संभव प्रयास करूंगा। इतिहास गवाह है कि 500 साल पहले टेकरी पर गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे, जिसकी वजह से आज वहाँ सुख समृद्धि का वास है। यह भोपाल वासियों का सौभाग्य है कि गुरु नानक देव यहाँ पधारे थे। उन्होंने भरोसा जताया कि सर्व समाज के लोग आगे आकर नाम परिवर्तन में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। दो दिन पूर्व गुरु नानक जयंती के अवसर पर रामेश्वर शर्मा ने खुद यह मांग उठाई थी कि ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी किया जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि 500 साल पहले जब गुरु नानक देव भारत भ्रमण पर निकले थे तो भोपाल स्थित इस टेकरी पर आए थे, जिसे गुरु नानक टेकरी कहा जाता था। बाद में वहां ईदगाह बना और उसका नाम ईदगाह हिल्स पड़ गया, लेकिन इसे बदलकर गुरु नानक टेकरी किया जाना चाहिए। आज हमारे सिख समाज के अनेक गुरुद्वारा प्रबंध समितियों के प्रमुख और समाज के प्रमुख जन यहाँ पर आए, मुझसे मिलने भी आए और मुझे आशीर्वाद भी दिया। और सत्य बात तो यह है कि 500 साल पहले भोपाल की धरती पर गुरु नानक का आगमन हुआ, ये भोपाल के लिए परम सौभाग्य है। और इसलिए हमारा आग्रह है सबसे, सभी समाजों से, और सभी गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने भी एक आग्रह किया है। इनके पत्रों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी आग्रह करेंगे कि ईदगाह हिल जो कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, उसको बदलकर उसकी जगह गुरु नानक टेकरी के नाम से ही बुलाया जाए। शासकीय दस्तावेजों में भी सुधार और संशोधन किया जाए, क्योंकि 500 साल पहले वहाँ केवल जंगल था, उस टेकरी थी यानी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का उद्धार, उस पहाड़ी में मंगल, उस पहाड़ी में आज जो कुछ भी बस्ती और आबादी बसी है, ये गुरु नानक की कृपा से। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।